शुक्र है परमात्मा का, आज तुम्हें भी 10 साल के बाद घर की याद आई। क्यों शर्मिंदा करते हैं भाई साहब, याद तो मुझे हमेशा आती है। खुली सामान यहाँ रख दो। रामू, ये सामान अंदर ले चलो और कुछ चाहते भाई साहब, याद तो मुझे हमेशा आती है। खुली सामान यहाँ रख दो। रामू, ये सामान अंदर ले चलो और कुछ चाय का इंतजाम करो। अच्छा हो, चाय लेके चलो, राजा साहब के छोटे भाई आए हैं। छोटा भाई, हम जाते हैं देखने। खाली कहाँ जाता है, चाय लेके चलो। जाता है तुम जाओ बाबा, हम चाय लेके। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी, हम तुम्हारे पापा नहीं। ओह माय गॉड, हम आए हैं। ऑलराइट, इतना घूम मचा के हमको नर्वस करते हैं खाने के लिए। तो अब बताओ जसपाल, कहाँ कहाँ से घूम कर आए हो? भाई साहब, बस अफ्रीका में रहा। रोटी कमाने के लिए कई एक काम किए, मगर आपके इस घर की याद हमेशा मेरे दिल में रही है। किसी ने ठीक कहा है कि जो सुख अपने देश में झोपड़े में है, वो पराए देश में महल में नहीं। जसपाल, तुमने बहुत अच्छा किया जो घर लौटा है। मेरा भी अकेले जी नहीं लगता था। अकेले भाई साहब? हाँ भाई, सुमन बंबई में पढ़ती है, छुट्टियों में घर आती है। इस साल पास हो जाए तो उसकी शादी कर देंगे। बेटी आखिर पराया धन होती है। मैंने जब घर छोड़ा था तब सुमन बहुत छोटी सी थी। अरे, अब तो तुम उसे पहचान भी नहीं सकोगे। ये देखो अपनी सुमन की तस्वीर। हो Thank you.
गाड़ी चलाना नहीं आता तो ड्राइवर रख लीजिए। जी हाँ, गाड़ी चलाना भी आता है और लोगों को बचाना भी। आपका कोई हाथ पांव तो नहीं टूटा? जी नहीं, हाथ पांव तो नहीं टूटा, मगर अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको गाड़ी चलाना आता है? जी। क्या तनख्वाह लोगे? व्हाट व्हाट? क्या तुमने कहा ड्राइवर रख लो, मैंने कहा क्या तनख्वाह लोगे? अजी, तनख्वाह की क्या जरूरत है? अच्छा, तो क्या आप खानदानी रही है? जी नहीं, लैंडलॉर्ड हूँ। एंड वेयर इज योर लैंड? मैम साहब, लैंड तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रह गए और लॉर्ड यहाँ पैदल घूम रहा है। मिस्टर लैंडलॉर्ड, जरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा धक्का दीजिए ना। आते हैं तो जाने को, जाते हैं तो आने को, इस आने को क्या कहिए, इस जाने को क्या कहिए। तुम यहाँ सो रहे हो? तो आपको इतराज है? जी नहीं, इतराज क्या हो सकता है? तुम कहाँ जा रहे हो? अंदाजा लगाओ। अच्छा, अगर सही अंदाजा लगा तो एक सिगरेट इनाम। एक सिगरेट ना हो तो मैंने पीता, दूसरी बात करो, सर कोई बात नहीं। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? किसी लड़की की चप्पल किसी लड़की का छिया 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 चाबने। किसी लड़की की मोटर भूल जा रहे हो? अरे तुझे कैसे मालूम हुआ? ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हो। मगर यार लड़की भी कयामत की थी। फिर क्या, उसकी मोटर खराब होगी और अपन ने धक्का देकर स्टार्ट करवाए। अब यार एक काम करो। बोलो क्या देखो? तो कोई मोटर वाली मिल जाए तो इतराज नहीं। हाँ हाँ हाँ, इस मोटर वाले के बारे में किसने कहा है? क्या कहा? ऊंचे से गुजरते हैं जो मोटर में हमारे हार में ड्राइवर को बजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हेलो अन साहब, जसपाल जी, छोटे राजा साहब कह के जख्मों पे नमक मत छिड़की। गेट आउट। जी आपको नहीं, राजा साहब का एडीसी था टॉमी। हाँ भाई साहब याद कर रहे हैं, आप कल शाम को आने वाले थे। बहुत अच्छा, आज 11 बजे ठीक है। थैंक यू। ये तो सब ठीक है वकील साहब, आप इसे जरा जसपाल को भी पढ़ा दीजिए। मेरे इस बुढ़ापे में और कौन है, एक सुमन और दूसरे ही है।
हाँ वकील साहब, मेरी जायदाद में से 1.5 लाख रुपया और एक कार मेरे छोटे भाई के नाम लिख दीजिए। इसकी क्या जरूरत है भाई साहब, आखिर मेरा भी कौन है, एक आप हैं और एक सुमन। जसपाल, मेरी तो राय है कि तुम अब भी शादी कर लो। राजा साहब, इस साल तो मैंने भी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया। वकील साहब, तो फिर छोटे को समझाओ ना। भाई साहब, इस बुढ़ापे में ऐसी क्या बात है, आखिर तुम्हारी उम्र क्या है? अरे सुना है कि वलायत वाले तो 40 बरस की उम्र में शादी करते हैं। राजा साहब, मेरे ख्याल में वसीयतनामे में लिख दिया जाए कि इनको शादी पर ही 1.5 लाख रुपए और कार दी जाए। वाह, तो 40 बरस की उम्र में शादी करते हैं। राजा साहब, मेरे ख्याल में वसीयतनामे में लिख दिया जाए कि इनको शादी पर ही 1.5 लाख रुपए और कार दी जाए। वाह वाह वाह, वकील साहब बहुत ही अच्छा ख्याल है। लो भाई जसपाल, आप तो तुम्हें शादी करना ही पड़ेगी। वकील साहब, मेरा ख्याल है आपको देर हो रही है, बात को बदलने की कोशिश ना करो। वकील साहब, आप इस वसीयतनामे में दर्ज कर दीजिए कि 1.5 लाख रुपया और कार छोटे को शादी के बाद ही मिलेगी। जो हुक्म राजा साहब। वकील साहब, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको पहुंचा दूँ। चलिए, ये वसीयतनामा लीजिए। हाँ हाँ। आनंद साहब। कहिए छोटे राजा साहब। आप नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? छोटे राजा साहब ना सही, सिर्फ आनंद साहब। कहिए छोटे राजा साहब। आप नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? छोटे राजा साहब ना सही, सिर्फ राजा साहब, होने वाले राजा साहब। मेरी तरफ से तो सब काम ठीक है। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। चलिए चलिए। बदनाम
पहुंच जाते हैं तेरी महफिल में वो बदनाम, पहुंच जाते हैं बदनाम, पहुंच जाते हैं नजरें खामोश शाम पहुंच जाते हैं दिल जले जलने को हर शाम पहुंच जाते हैं हर शाम पहुंच जाते हैं नजरें खामोश हैं सहम पहुंच जाते हैं नजरें खामोश हैं। वाह 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 खूब गाती हो रूपा। हौसला अफजाई का शुक्रिया। रूपा नगीने की कदर जौहरी जानता है और मैंने तय किया है कि अब तुम कोठी में रहो। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है वरना मैं किस काबिल हूँ। सरकार दूध रामू देखो तो जसपाल सो गए हैं जिन जाग रहे हैं उनको जरा यहाँ भेज दो। बहुत अच्छा सरकार दूध पी लीजिए ठंडा हो जाएगा। कितना ख्याल रखता है मेरा। रोमी चिकन चिकन ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। छोटे बैठो आप बताओ क्या तुमने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है। दूध पीते हो मुझको भी लग जाता। छोटे तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। भाई साहब इस वक्त 11 बज चुके हैं सोने का वक्त उठिए उठिए। ठीक कहते हो बुढ़ापे में नींद कम आती है क्योंकि इसके बाद आदमी को हमेशा के लिए सो जाना होता है। हमेशा के लिए क्या कह रहे हैं। हाँ भाई ठीक है ठीक है चलो। हे भगवान हाथ
तो लगी शादी की है, अब तो कोई मामला बनता नहीं। क्या बात समझ में नहीं आती, आप अगर कुछ कीजिए ना मेरे लिए। आप भी बता रही है, छोटी हो, लंबी हो, पतली हो, मोटी हो, कैसी हो चले, लेकिन एक हो, आप तो नाराज हैं। क्या करूं, मैं खुद डॉक्टर हूँ और चंद दिनों के बाद मिस सुमन एमबीबी।
पाऊंगी। तो डॉक्टर साहब आपका मरीज हाजिर है। तो मरीज साहब क्या बीमारी है आपको? दिल धड़कता है, हर घड़ी किसी की याद आती है और दिल की हर धड़कन किसी का नाम पुकारती है। कोई खास बात नहीं, इस उम्र में तो ये बीमारी हर अरे गरे को होती है। डॉक्टर साहब कोई दवा तजवीज कीजिए और मरीज गम की दवा लीजिए। सिर्फ दुआ या फीस भी? डॉक्टर का फर्ज है सेवा करना, मगर मरीज फीस देना नहीं भूलेगा। फीस के बदले में दिल पेश करता हूँ। सुमन किस्मत ने नहायत भयानक काम किया सुमन। सुमन मेरी राय है कि तुम रात के वक्त अकेले न जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैंने हमेशा इस ट्रेन से अकेले ही सफर किया है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर कल मुझे फोन जरूर करना। जब देखो मुझ पर ही भोंकता है।
को यतीम कर दिया। अंकल जी, ये सब कैसे हुआ? बस रो मत बेटी, ये गम तो जिंदगी भर का है। मेरी बदनसीबी, 12 साल के बाद ये सब कैसे हुआ? बस रो मत बेटी, ये गम तो जिंदगी भर का है। मेरी बदनसीबी, 12 साल के बाद भाई से मिला, वो भी चंद दिनों के लिए। डैडी ने आपके अफ्रीका से आने के बारे में लिखा था, मगर मेरे इम्तिहान हो रहे थे। किस्मत में भी आज भाई से मिला, वो भी चंद दिनों के लिए। डैडी ने आपके अफ्रीका से आने के बारे में लिखा था, मगर मेरे इम्तिहान हो रहे थे। किस्मत ने भी हमें किन हालात में मिलाया। बेटी, तुम्हारा गम मेरा गम है, मैं उम्र भर तुम्हारी खिदमत करूंगा। हमें किन हालात में मिलाया। बेटी, तुम्हारा गम मेरा गम है, मैं उम्र भर तुम्हारी खिदमत करूंगा। अंकल, चलो बेटी, थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। नहीं बेटी, भूखे पेट नहीं सोते। चलो। सुमन बातें कर रही थी, इतने में उसको चीख सुनाई दी और बातचीत बंद हो गई। सुमन बेटी, क्या हुआ? खैरियत तो है? अंकल, अंकल उधर कोई छुपा है। अभी अभी काला साया खिड़की के सामने से गुजरा। अंकल ठहरो, मैं अभी देख। अंकल, अंकल उधर कोई छुपा है। अभी अभी काला साया खिड़की के सामने से गुजरा। अंकल ठहरो, मैं अभी देख कर आता। मैं इधर वाले कमरे में हूँ, कोई ऐसी बात हो तो मुझे आवाज। नहीं अंकल, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। घबराओ नहीं बेटी, मैं इधर वाले कमरे में हूँ, कोई ऐसी बात हो तो मुझे आवाज देना, समझी? सो जाओ। इसे ये मालूम होता है कि सुमन वहाँ खतरे में। खंडाला यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो मतलब है कि अभी चले भाई, खतरा है, सुबह चलेंगे। बालम, पहले वहाँ जाकर सुमन के बाप की मौत के बारे में पता लगाना होगा। अगर हालात मुनासिब ना हुए तो भैंस बदल के जाऊंगा। वाह, क्या कही है, अंधे को अंधेरे में दूध के बारे में पता लगाना होगा। अगर हालात मुनासिब ना हुए तो भैंस बदल के जाऊंगा। वाह, क्या कही है, अंधे को अंधेरे में दूध की सोचती है। आप जासूस बनोगे? जी हाँ, इसे कहते हैं तरकीब नंबर 2। अच्छा, ये बात है। अगर आप जासूस है, बालक तुम्हारे साथ है, क्या बात है। चलो,
सदा सदाजी। सदा बादशाह फरमाओ। सदाजी सदाजी राजा हरदयाल सिंह का बंगला यही है? बंगला तो यही है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, अभी अभी रास्ते मैंने ये बुरी खबर सुनी है, मगर अब इस घर का मालिक कौन है? उनका छोटा राजा हरदयाल सिंह का बंगला यही है? बंगला तो यही है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, अभी अभी रास्ते मैंने ये बुरी खबर सुनी है, मगर अब इस घर का मालिक कौन है? उनका छोटा भाई जसपाल सिंह। आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं तो यहाँ एक ड्राइवर हूँ, आप खुद ही मिल लीजिए, वो बरामदे में बैठे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए क्या चाहते हैं? मुझे राजा साहब ने बुलवाया था एस्टेट मैनेजर की नौकरी के लिए। अमृत, मेरा नाम अमृत। मिस्टर अमृत, मुझे सख्त अफसोस है, राजा साहब अभी इस दुनिया में। एस्टेट मैनेजर की नौकरी के लिए। राजा साहब अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर हुजूर, अब इस जायदाद का मालिक आपके सिवा और कौन हो सकता है? सो मैं अपनी नौकरी की दरखास्त आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर हुजूर, अब इस जायदाद का मालिक आपके सिवा और कौन हो सकता है? सो मैं अपनी नौकरी की दरखास्त आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ठीक कहते हैं आप। भाई साहब मरहूम इस तमाम जायदाद का बोझ मेरे इन नाजुक कंधों पर छोड़ गए हैं, तो मेरी दरखास्त मंजूर फरमाइए। ठीक कहते हैं आप। भाई साहब मरहूम इस तमाम जायदाद का बोझ मेरे इन नाजुक कंधों पर छोड़ गए हैं, तो मेरी दरखास्त मंजूर फरमाइए। एक महीना नौकरी का मौका दीजिए, काम पसंद ना आए तो निकाल दीजिए। अच्छी बात है, आपको 150 रुपया माहवार तनख्वाह मिलेगी। थैंक यू सर, अभी थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। वेरी वेल। शरीफ आदमी मालूम होता है। Yes, mister. Good morning. Come in, come in. Good morning. What a good morning. क्या सुहाने सुबह है जो आपके दर्शन हुए। Thank you. Come in, come in. Good morning. What a good morning. क्या सुहाने सुबह है जो आपके दर्शन हुए। थैंक यू, थैंक यू। बट तुमको क्या मांगता है मिस्टर? हमको मांगता है। क्या? हम क्या मांगते हैं? हमको मांगता है, आपसे नौकरी मांगता है। ओह माय गॉड, हम तो खुद सर्वेंट है। सर्वेंट? नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे लिए मालिक है। काय को मस्करी करता है मैं, तुमको नौकर वांट है। सर्वेंट? नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे लिए मालिक है। काय को मस्करी करता है मैं, तुमको नौकरी मांगता है ना, तुम अंकल को मिलो। हाँ, हम तो इस घर में आया है आया। अरे आया है, जाएगा नहीं? हम जाने वाला आया नहीं, परमानेंट आया। ये मांगता है ना, तुम अंकल को मिलो। हाँ, हम तो इस घर में आया है आया। अरे आया है, जाएगा नहीं? हम जाने वाला आया नहीं, परमानेंट आया। समझाने का मतलब है कि जाया नहीं, आया है। तुम कितना बुद्धू है, समझा नहीं? हम आया है आया। समझ गया आया जी, आया जी। माय गॉड, वंस मोर, एक दफा और। आया जी। यस, लवली। सॉरी सॉरी, मिस्टेक, माय हैंड मिस्टेक। हम बाजी काटते थे ना, हम समझा काटूंगा किधर काटता है। अमृत, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं नौकरों के साथ वाले क्वार्टर में करवा रही हूँ। कोई बात नहीं। नहीं अमृत, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें मेरी वजह से ये सब तकलीफें उठानी पड़ रही है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। बहुत अफसोस है, तुम्हें मेरी वजह से ये सब तकलीफें उठानी पड़ रही है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते।
छह दिन के नादे हैं। चलो नंबर दो तो चल गई मगर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरी फिक्र मत करना, ये कुक हमेशा कामयाब रहेगा। चिकन मुर्गी पुलाव, खिचड़ी, अपना बिरयानी, खिचड़ी, दाल साग। मेरी और तुम्हारी कामयाबी का सवाल नहीं, कैसा कामयाब रहेगा। चिकन मुर्गी पुलाव, खिचड़ी, अपना बिरयानी, खिचड़ी, दाल साग। मेरी और तुम्हारी कामयाबी का सवाल नहीं, किसी की जिंदगी का सवाल है। सुमन से बातें करने के बाद पता चला कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। समझे? पीछे पड़ा है। अच्छा तुम जाओ, रात को बातें करूंगा। किसी की जिंदगी का सवाल है। सुमन से बातें करने के बाद पता चला कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। समझे? पीछे पड़ा है। अच्छा तुम जाओ, रात को बातें करूंगा। अमृत, ये कागजात हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। जी बहुत बेहतर, आप हिम्मत कीजिए, दो चार दिन में सब कुछ समझ जाऊंगा। अब देखिए, बम्बई से हर माह 10-15 तारीख तक मकानों का किराया आता है 4,500। अगर 2-3 रोज देर हो जाए तो रेजा एंड कंपनी को तार भिजवा दीजिए। बहुत बेहतर। हेलो, हेलो नॉटी बॉय। जी जी, कौन है? जसपाल सिंह। मैं भतीजी के बारे में नहीं हूँ, भतीजों के बारे में, यानी घोड़ों के बारे में पूछ रही हूँ। कोई लकी नंबर लगा या सब नॉटी बॉय की तरह व्यवस्था कर? इंसान अफसोस और हमदर्दी के सिवा और कर भी क्या सकता। रात भर क्यों खड़े हो गए क्या? आलम, कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। ठीक कह रहे हो। रात भर क्यों खड़े हो गए क्या? आलम, कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। ठीक कह रहे हो। रात को उल्लू जागते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, इसमें कोई नहीं बात नहीं। मैं देख रहा था तो शायद वो साहब से नजर आए, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। साहब को देख रहे हैं, आपको उल्लू जागते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, इसमें कोई नहीं बात नहीं। मैं देख रहा था तो शायद वो साहब से नजर आए, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। साहब को देख रहे हैं। हाँ देखिए, आप रात में साहब को देखिए, मैं चला। यार सुन, एक तरकीब सूझी है।
लीजिए, बताओ क्या। सुमन के कमरे से लेकर अपने इस कमरे तक घंटी फिट की जाए ताकि अगर उसे कोई खतरा हो तो इतला हो जाए। और चाचा को ये मालूम हुआ तो अपनी घंटी बजने वाली है। तो तुम किस अपने इस कमरे तक घंटी फिट की जाए ताकि अगर उसे कोई खतरा हो तो इतला हो जाए। और चाचा को ये मालूम हुआ तो अपनी घंटी बजने वाली है। तो तुम किस मर्ज की दवा हो। मैं जिस मर्ज दवा हूँ अभी बता रहा हूँ, मेरे खटिया है। तो आई रात तो टेलीफोन पर सीधे में बात ही नहीं की। तुम भी बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे वो मेरी भतीजी आ गई है बंबई से। आखिर उसको तो आना ही था। रात तो टेलीफोन पर सीधे में बात ही नहीं की। तुम भी बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे वो मेरी भतीजी आ गई है बंबई से। आखिर उसको तो आना ही था। उसके बाप की मौत जो हुई और आते ही जायदाद की देखभाल भी शुरू कर दी। जैसे कि उसके बाप की जायदाद है। मगर नए नामे के मुताबिक ये जायदाद आपकी है। ये ले 5 रुपए जाकर फिल्म देख क्या। थैंक यू जी गाड़ी। आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं। बहुत परेशान हूँ। आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं। बहुत परेशान हूँ। परेशान हो आपके दुश्मनी जा, परेशानियों को भुला दीजिएगा। परेशान हो आपके दुश्मनी जा, परेशानियों को भुला दीजिएगा। परेशानियों को भुला दीजिएगा। परेशानियों को बसा के मुझे आईने में नजर के, बसा के मुझे आईने बना दीजिए आईने में नजर के, मेरी जिंदगी को बना दीजिए गा, मेरी जिंदगी को बना दीजिए गा, मेरी जिंदगी को। Oh,
दर्द है तो दवा दीजिएगा, दिया दर्द है तो दवा दीजिए। नामे के दो कापियां गायब। वो तो सिवाय राजा साहब मरहूम के और किसी को भी नहीं मालूम कि कहां है। मैंने उन्हें ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन असली वसीयत नामे के दो कापियां गायब। वो तो सिवाय राजा साहब मरहूम के और किसी को भी नहीं मालूम कि कहां है। मैंने उन्हें ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कोई पता नहीं चला। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा राजा साहब
खुदा ना खास्ता ऐसा दिन आ भी गया तो फिर ये खाकसार किस दिन काम आएगा। बालम, ओ बालम, मैं सामान ले आया हूं। बालम, ओ बालम, मैं सामान ले आया हूं। तुम तरकीब नंबर 3 का प्रोग्राम पूरा कर लो। मगर क्या, इतना बुद्धू मैं नहीं हूँ। और हाँ, मैं जरा सुमन के साथ राजा साहब के वकील से मिलने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, मैं अपने स्वीट 7 से मिलने जाऊंगा। थैंक यू। बालम, बालम, समझ गया, मैं समझ गया, ये सब मेरे पास तो चाहिए। ये पहले मेरा तरकीब नंबर 3। थैंक यू। हेलो आनंद देसाई। ओ हेलो सुमन। हेलो आनंद देसाई। ओ हेलो सुमन। सुमन तुम कब आए? नहीं नहीं, मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ। राजा साहब की अचानक मौत का मुझे दिली अफसोस है। सुमन तुम कब आए? नहीं नहीं, मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ। राजा साहब की अचानक मौत का मुझे दिली अफसोस है। जी जी हाँ, जरूर तशरीफ लाइए, आपका अपना घर है। हाँ हाँ, मैं इंतजार करता हूँ। जी जी हाँ, जरूर तशरीफ लाइए, आपका अपना घर है। हाँ हाँ, मैं इंतजार करता हूँ। क्या कोई वसीयत? हाँ हाँ, आप आइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। आपके अंकल भी साथ आएंगे क्या? ओह ओके। लीजिए, मिस सुमन मुझसे मिलना चाहती हैं, वो भी अकेले में, आपसे अलग। ठीक है, जरूर मिलो, लेकिन उससे बातचीत करने के बाद मुझे टेलीफोन करना, समझे? मिस सुमन, मुझे नहायत अफसोस है कि आनंद साहब, आइए आइए तशरीफ रखिए। मिस सुमन, मुझे नहायत अफसोस है कि आनंद साहब, अफसोस तो इस बात का है कि मैं डैडी के आखिरी वक्त में उनसे न मिल सकी। खैर, ये है मिस्टर अमित, ये डैडी, अफसोस तो इस बात का है कि मैं डैडी के आखिरी वक्त में उनसे न मिल सकी। ये है मिस्टर अमित, इन्हें डैडी ने अपनी जायदाद की देखभाल के लिए रखा था। और मैं हूँ आनंद, पिछले 10 बरस से राजा साहब का वकील था। आनंद साहब, आपसे एक काम है। जरूर जरूर, फरमाइए, मैं आपकी कोई सेवा कर सकूँ, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? वकील साहब, राजा साहब ने कोई वसीयत बनवाई थी? जी हाँ, उन्होंने एक वसीयत बनवाई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपकी शादी पर 1.5 लाख रुपया कैश और एक कार देने का जिक्र था, और बाकी खानदानी जायदाद और मकान थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपकी शादी पर 1.5 लाख रुपया कैश और एक कार देने का जिक्र था, और बाकी खानदानी जायदाद और मकान उन्होंने अपने भाई जसपाल सिंह के नाम पर कर दिए थे। खानदानी जायदाद और मकान? लेकिन आनंद साहब, ये सब तो खुद डैडी ने बनवाए थे। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको वसीयत नामे की एक कॉपी दे देता हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
मुझे यकीन है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो इस साजिश में आनंद का भी हाथ नजर आता है। मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि ये वसीयतनामा जारी है। मेरे ख्याल में तुम्हारा अंकल और वकील मिले हुए हैं। अब हमें ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, मगर तुम इस बात का ख्याल रखना, चाचा को शक न गुजरे कि हम लोग इस मामले का पीछा। मेरे ख्याल में तुम्हारा अंकल और वकील मिले हुए हैं। अब हमें ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, मगर तुम इस बात का ख्याल रखना, चाचा को शक न गुजरे कि हम लोग इस मामले का पीछा कर रहे हैं। मुझे डर लगता है। जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम ना थे तो? ये तुमने उल्टी बातें कब से सोचना शुरू कर दिया? मैंने तुम्हारे कमरे में लाइट देखी और चलाया। क्या बात है बेटी? अंकल, अंकल मैंने अभी अभी फिर वही साया देखा। तुम परेशान हो और परेशानी की वजह से शायद तुमने भयानक ख्वाब देखा होगा बेटी। बेटी मैं सोच रहा था अगर तुम्हें इतराज हो तो ये वसीयतनामा कैंसिल कर दिया जाए। जाता हूँ, एक काम करेगा जाकर सुमन के कमरे में थोड़ी सख्त जरूरत है। आखिर मेरा को जाकर सुमन के कमरे में थोड़ी सख्त जरूरत है। आखिर मेरा कौन? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बेटी तुम आराम करो, कल सुबह आओ। सब कुछ तो तुम्हारा ही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बेटी तुम आराम करो, कल सुबह बातें करेंगे। हाँ मैं बड़े से राजा साहब का ड्राइवर था,
और सब बातें करेंगे। मैं बड़े से राजा साहब का ड्राइवर था, असा ने उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जरा सफेद गाड़ी को देखो उसका क्या हाल हो गया है। अगर ठीक तरह से काम नहीं होता तो जाओ पंजाब का टिकट कटाओ। इस घर में बहुत सी पुरानी चीजों को बदलने की जरूरत है। बजा इल्जाम इनका हम कहाँ इनकार करते हैं। मिला के आँख लेकिन है, मिला के आँख लेकिन है। बजा इल्जाम इनका हम कहाँ इनकार करते हैं। मिला के आँख लेकिन है, मिला के आँख लेकिन क्या भला सरकार करते हैं। इनके चाहने वाले न जीते हैं न मरते हैं। क्या भला सरकार करते हैं। इनके चाहने वाले न जीते हैं न मरते हैं। ओ
कुछ ऐसा हाल उनका ये हंसी दिलदार करते हैं, कुछ ऐसा हाल उनका ये हंसी दिलदार करते हैं, हंसी दिलदार करते हैं, हंसी दिलदार करते हैं। अजी इनसे फकत साहब सलामत, साहब सलामत दूर की अच्छी है। अजी इनसे फकत साहब सलामत, साहब सलामत दूर की अच्छी। अजी इनसे फकत साहब सलामत दूर की अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। अजी इनसे फकत साहब सलामत दूर की अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। किसी ने हुस्न वालों के लिए कैसी कही अच्छी, किसी ने हुस्न वालों के लिए। जफाएं आप करते हैं, जफाएं आप करते हैं, हमारा नाम लेते हैं। बड़े चालाक हैं ये, बड़े चाप करते हैं, जफाएं आप करते हैं, हमारा नाम लेते हैं। बड़े चालाक हैं ये, बड़े चालाक हैं ये, तो कहाँ इल्जाम लेते हैं। कहे हम और क्या तौबा करो, काफर सनम है ये। ओ खुदा को भूल जाते हैं जो इनका हो, खुदा को भूल जाते हैं जो इनका नाम लेते हैं। खुदा को भूल जाते हैं जो इनका नाम लेते हैं, जो इनका नाम लेते हैं, जो इनका नाम लेते हैं। ये सच है कि नहीं होती, नहीं होती बुतों की बंदगी अच्छी। ये सच है कि नहीं होती बुतों की बंदगी अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी बंदगी अच्छी। ये सच है कि नहीं होती बुतों की बंदगी अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। किसी ने हुस्न वालों के लिए कैसी कही अच्छी, किसी ने हुस्न वालों के लिए कैसी कही अच्छी।
मुझे ये अमृत अच्छा आदमी नहीं लगता। तो क्या इरादा है? इसको भी खत्म कर दिया जाए। शगा, मुझे ये अमृत अच्छा आदमी नहीं लगता। तो क्या इरादा है? इसको भी खत्म कर दिया जाए। शगा क्यों इडियट। पाल साहब, बेहतर होगा कि इस आदमी का भी वापसी टिकट कटवा दिया जाए। पापा जी, ये काम तो हम पे छोड़िए। बाहर कौन? क्या है? भाग यहाँ से। वो तो कोई फकीर था। अब कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सोचा क्या है? शादी करनी। वो तो कोई फकीर था। अब कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सोचा क्या है? शादी करनी। कब? जीजा जी, वो शास्किन के सूट का वादा याद है ना? लाहौल विला कुवर, मेरी शादी का जिक्र। कब? जीजा जी, वो शास्किन के सूट का वादा याद है ना? लाहौल विला कुवर, मेरी शादी का जिक्र नहीं, सुमन की शादी करनी है, ताकि ये कांटा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से दूर हो जाए। तो क्या 1.5 लाख रुपया उसे दे दोगे? तुम लोग सब बेवकूफ हो। करने, सुमन की शादी करनी है, ताकि ये कांटा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से दूर हो जाए। तो क्या 1.5 लाख रुपया उसे दे दोगे? तुम लोग सब बेवकूफ हो। शादी उसकी जरूर करवानी है, लेकिन एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे एतबार का हो। अपने सुंदर जो है। मेरी शादी? वेरी गुड वेरी गुड, अब तो सूट जरूर लूंगा। इस बगलोल का भी जवाब नहीं, सूट की फिक्र है। अबे शादी में लड़की भी आएगी। वो भी सही, मगर ये शादी असली होगी या नकली? असली भी और नकली। प्लान ये है कि शादी के बाद 1.5 लाख रुपया भी यारों के पास। सही, मगर ये शादी असली होगी या नकली? असली भी और नकली। प्लान ये है कि शादी के बाद 1.5 लाख रुपया भी यारों के पास रह जाए, और एक दिन मौका देख के इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से दूर किया जाए, ताकि फिर असली वसीयत नामे का डर ही न रह जाए, और एक दिन मौका देख के इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से दूर किया जाए, ताकि फिर असली वसीयत नामे का डर ही न रहे। वो सब तो ठीक है, मगर ये बाहर कौन खड़ा है? बालम का बच्चा क्या बनाता है रे? बच्चा, ए बालम का बच्चा क्या बनाता है रे? बच्चा नहीं, मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, बच्चे का सवाल पैदा नहीं होता। ओके ओके, कमान तुम बहुत टॉकी करता है। ये बताओ तुम आज क्या बनाया? बहुत अच्छा खुशबू फैला है। बच्चा नहीं, मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, बच्चे का सवाल पैदा नहीं होता। ओके ओके, कमान तुम बहुत टॉकी करता है। ये बताओ तुम आज क्या बनाया? बहुत अच्छा खुशबू फैला है। हेलो हेलो, हम कभी नहीं खाया मैम। नहीं खाया तुमने? नहीं। अरे अभी खाओ, क्या बात है। टेस्ट करेंगे। थैंक यू। इट इज वेरी स्मॉल। गुड, वाह क्या बात है। बालम कैसा है? अब कैसे बोलेगा, इतना सा हम चखा भी नहीं। बालम कैसा है? अब कैसे बोलेगा, इतना सा हम चखा भी नहीं। साहब, वाह साहब, मैं तुम इतना तो दो देते, एकदम पतीला भर के दे।
तो कैसे चलेगा? वाह मैं तुम इतना तो दो देते एकदम पतीला भर के दो ना, हम टेस्ट बताएगा तुमको कैसे। ठीक है, ये हालत तो कैसे चलेगा? ओह इट इज वेरी स्मॉल। हाँ तो ये किस्सा है, मगर घबराना नहीं, चाचा की असलियत खुल रही है। मगर ये शादी की बकवास का क्या होगा? कुछ नहीं, शादी कर लो। तुम्हें मजाक सोच रहा है, अब ये हम जान पे बनी। देखो सुमन, तुम ऐसे बनो जैसे चाचा की फरमा बरदार भतीजी हो। तुम्हें मजाक सोच रहा है, अब ये हम जान पे बनी। देखो सुमन, तुम ऐसे बनो जैसे चाचा की फरमा बरदार भतीजी हो, तो जो कुछ भी कहे मान जा और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। शायद चाचा आ रहे हैं, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। मेरे इस थोड़े से खाने को किसी की नजर ना लगे, मेरे इस थोड़े से खाने को किसी की नजर ना लगे। चश्मे बद्दू मेरी भूख प्यास के बसाने को, मेरे चश्मे बद्दू मेरी भूख प्यास के बसाने को, मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। ये क्या हो रहा है? सॉरी अंकल, बात ये है आज हम लंच नहीं करेगा, बस ये खाली थोड़ा पाव थोड़ा दूध पी के फलका के गुजारा करेगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। क्या तकलीफ है आपको? अंकल बात ये हमारा हाजमा खराब हो गया है, हमको भूख नहीं लगता। अगर पैसा पराया है तो पेट तो अपना है, चश्मे बद्दू जरा कम खाया करो, अगर इतना ही खाना है तो लोगों की नजरों से दूर किचन में खाया करो। नॉनसेंस अंकल, हमको डांटता है, बढ़ाया डांटने वाला। करो अगर इतना ही खाना है तो लोगों की नजरों से दूर किचन में खाया करो। नॉनसेंस अंकल, हमको डांटता है, बढ़ाया डांटने वाला। अरे इतना सा चीज खाता है, इतना बड़ा फोन मारता है, ऑल राइट हम चोर नहीं है, हम किचन में जाकर खाएगा, इतना सा चीज है। अरे दीदी बुढ़ा मैन तो मिस्टर बालम किस्सा ये है, समझे? बिल्कुल समझ गया। सुमन को मैंने सब कुछ समझा दिया। अच्छा, तुम यहाँ का ख्याल रखना। अच्छी बात है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? सबूत इकट्ठे करने। अच्छा, सबूत इकट्ठे करने।
फूटिया जासूस बन गए, कमाल है। मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के, उसमें इकट्ठा करूँ? हमने खटिया है ना, सबूत इकट्ठे करने। अच्छा सबूत इकट्ठे करने, फूटिया जासूस बन गए, कमाल है। मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के, उसमें इकट्ठा करूँ? हमने खटिया है ना, अटे में खत्म वाले हैं ये खटिया अच्छे। माफ करना मैं नशे में, माफ करना मैं नशे में, आज माफ करना। आदावर हाँ जी, माफ करना। आदावर आदावर हाँ, ये बड़े आदमी वाली बात की ना आपने, पहचाने नहीं? आप मुझे पहचान लिया है? यार तुम लाख भैंस बद, ये बड़े आदमी वाली बात की ना आपने, पहचाने नहीं? आप मुझे पहचान लिया है? यार तुम लाख भैंस बदलो, मगर यारों की नजर से बच नहीं सकते। आए तुमने मुझे पहचान लिया? देखो दोस्त, ये बात बाहर ना जाए, मैं वो बंबई वाला सुंदर नहीं, मैं यहाँ के रईस जसपाल सिंह का होने वाला साला हूँ। होने वाले साले साहब, आप इस वक्त नशे में हैं? मैं नशे में? नहीं, नशा जो ना वो मेरे अंदर है। अच्छा सुंदर साहब, मेरा नाम यूसुफ है। मैंने आपको अजी बॉम्बे में देखा होगा, रेस कोर्स में। अजी रेस कोर्स में? जिस दिन मैं रेस कोर्स में ना जाऊं, घोड़े स्टार्ट नहीं लेते और रेस कैंसिल हो जाती है। अच्छा हाँ, तो होने वाले साले साहब, आपकी बहन भी तो बम्बई में नंबर एक गाने वाली थी। अजी बड़े बड़े रईस उसकी आवाज में मरते थे कई। अच्छा, राजा जसपाल सिंह भी खंडाला से बम्बई गाना सुनने जाते होंगे? हाँ जी, वो तो बम्बई में रहते थे, बात बाहर ना जाए, मगर जीजा जी हैं आदमी नंबर वन। जिस दिन से यहाँ आए हैं, रोजाना मेरी 5 रुपए पॉकेट में लगाती है। बस सिर्फ 5 रुपए? संडे को डबल, और जिस दिन शादी होगी उस दिन मुझे शार्क सिंह का सूट मिलेगा। अच्छा जीजा जी ने आपकी शादी का भी बंदोबस्त किया होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब बातचीत कंप्लीट मुकम्मल हो गई है, बात भाग का सूट मिलेगा। अच्छा जीजा जी ने आपकी शादी का भी बंदोबस्त किया होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब बातचीत कंप्लीट मुकम्मल हो गई है, बात भाग में जाए। सुनिए, उनकी भतीजी के साथ भाग ना जाए। हाँ तो यार सुंदर, तुम्हारी शादी पर तो हम बिन बुलाए आ सकते हैं ना? नो 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 नो, एडमिशन विदाउट परमिशन, वहाँ सिर्फ सूट बूट यानी जेंटलमैन आदमी को आने की इजाजत मिलेगी। बख्शीश लेने तो आ सकते हैं? नो 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 नो, एडमिशन विदाउट परमिशन, वहाँ सिर्फ सूट बूट यानी जेंटलमैन आदमी को आने की इजाजत मिलेगी। बख्शीश लेने तो आ सकते हैं ना? बख्शीश? हाँ वो लेने जरूर आइए, उसके लिए मैं एक खास आदमी नौकर रखूंगा जो आपको बख्शीश देगा। माफ करना मैं नशे में, आज माफ करना मैं नशे में, आज माफ करना। आदावर आदावर हाँ, ये बड़े आदमी वाली बात की ना आपने, पहचाने नहीं? आप मुझे पहचान लिया है? यार तुम लाख भैंस बदलो, ये बड़े आदमी वाली बात की ना आपने, पहचाने नहीं? आप मुझे पहचान लिया है? यार तुम लाख भैंस बदलो, मगर यारों की नजर से बच नहीं सकते। आए तुमने मुझे पहचान लिया? देखो दोस्त, ये बात बाहर ना जाए, मैं वो बम्बई वाला सुंदर नहीं, मैं यहाँ के रईस जसपाल सिंह का होने वाला साला हूँ। होने वाले साले साहब, आप इस वक्त नशे में हैं? मैं नशे में?
नहीं, नशा जो ना वो मेरे अंदर है। अच्छा सुंदर साहब, मेरा नाम यूसुफ है। मैंने आपको अजी बॉम्बे में देखा होगा रेस कोर्स में। अजी रेस कोर्स में? जिस दिन मैं रेस कोर्स में ना जाऊं, घोड़े स्टार्ट नहीं लेते और रेस कैंसिल हो जाती है। अच्छा हाँ, तो होने वाले साले साहब, आपकी बहन भी तो बम्बई में नंबर एक गाने वाली थी। अजी बड़े बड़े रईस उसकी आवाज पे मरते थे कई। अच्छा राजा जसपाल सिंह भी खंडाला से बम्बई गाना सुनने जाते होंगे। अजी वो तो बम्बई में रहते थे, बात बाहर ना जाए, मगर जीजा जी हैं आदमी नंबर वन। जिस दिन से यहाँ आए हैं, रोजाना मेरी 5 रुपए पॉकेट मनी लगाती है। बस सिर्फ 5 रुपए? संडे को डबल, और जिस दिन शादी होगी उस दिन मुझे शार्क्स इनका। यहाँ आए हैं, रोजाना मेरी 5 रुपए पॉकेट मनी लगाती है। बस सिर्फ 5 रुपए? संडे को डबल, और जिस दिन शादी होगी उस दिन मुझे शार्क्स इनका सूट मिलेगा। अच्छा जीजा जी ने आपकी शादी का भी बंदोबस्त किया होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब बातचीत कंप्लीट मुकम्मल हो गई है। बात बाहर में जाए, सुनिए सूट मिलाएगा। अच्छा जीजा जी ने आपकी शादी का भी बंदोबस्त किया होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब बातचीत कंप्लीट मुकम्मल हो गई है। बात बाहर में जाए, सुनिए उनकी भतीजी के साथ बाहर ना जाए। हाँ तो यार सुंदर, तुम्हारी शादी पर तो हम बिन बुलाए आ सकते हैं ना? नो 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 एडमिशन विदाउट परमिशन, वहाँ सिर्फ सूट बूट यानी जेंटलमैन आदमी को आने की इजाजत मिलेगी। बख्शीश लेने तो आ सकते हैं ना? बख्शीश? नो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, वहाँ सिर्फ सूट बूट यानी जेंटलमैन आदमी को आने की इजाजत मिलेगी। बख्शीश लेने तो आ सकते हैं ना? बख्शीश? हाँ वो लेने जरूर आइए, उसके लिए मैं एक खास आदमी नौकर रखूंगा जो आपको बख्शीश देगा। चलिए बाय बाय टाटा। तो ये असलियत है आपकी? तो ये असलियत है आपकी? ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हारे अमृत, मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो कुछ हो रहा है इसका अंजाम क्या होगा? सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हारे भरोसे ही तो जी रही हूँ, वरना जो कुछ मुझ पर बीती है और बीतने वाली है ये सब जान लेने के लिए काफी है। इस तरह दिल छोटा नहीं कर। भरोसे ही तो जी रही हूँ, वरना जो कुछ मुझ पर बीती है और बीतने वाली है ये सब जान लेने के लिए काफी है। इस तरह दिल छोटा नहीं करते। की खातिर ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ना हम इसे छोड़ दे। मगर उस मैं सोचती हूँ कि जिस जायदाद की खातिर ये सब कुछ हो रहा है,
क्यों ना हम इसे छोड़ दे। मगर उस खूनी हाथ का क्या होगा जो रात के सन्नाटे में साए की तरह घूमता है। हमें उसको पकड़ना होगा। बुराई से दूर भागने से बुराई खत्म नहीं होती। मैं इस मामले में बहुत कुछ जान चुका हूँ। हौसला रखो, जल्दी से कुछ ठीक हो जाएगा। बुराई और गुनाह के पांव नहीं होते। भगवान हमेशा बेगुनाह और सच्चे का साथ देता है। अच्छा अमृत, अब मैं चलती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुमसे बात करने के बाद बड़ी तसल्ली हो जाती है मुझे। अच्छा तुम यही ठहरो, मैं चली जाऊंगी। खटमल काटे नहीं आवत। गाना ही बदल दिया। सूरतिया तोरी मतवाली गोल कमरिया मुख पे नाली, एक नया संसार बसा है, एक नया संसार बसा है। खटियन की पटियन में खटमल आए, एक नया संसार बसा है। खटियन की पटियन में खटमल आन बसो, खटियन 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 में खटियन में खटियन में खटियन में खटमल। Thank you.
राजा साहब कुछ बोलिए तो सही। क्या बोलूं, हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आते हैं। आप तो खामखा परेशान नजर आ रहे हैं। राजा साहब कुछ बोलिए तो सही। क्या बोलूं, हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आते हैं। आप तो खामखा परेशान नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं? खास आराम का सवाल नहीं, मुझे तो हर छोटी छोटी बात से खौफ होने लगा है। सुमन, अमृत, कोई ऐसी खास बात नहीं? खास आराम का सवाल नहीं, मुझे तो हर छोटी छोटी बात से खौफ होने लगा है। सुमन, अमृत, टॉमी, घर के सब नौकर, ऐसा लगता है सबको एक ही शक है। वो क्या? ये भी बताना पड़ेगा। टॉमी, घर के सब नौकर, ऐसा लगता है सबको एक ही शक है। वो क्या? ये भी बताना पड़ेगा। आनंद चाल कामयाब होती नजर नहीं आती। काफी छोटे दिल के आदमी हैं आप। चाल चल भी चुके, कामयाबी का सिरा बन भी गया और फिर भी बौखला रहे हैं आप। अब तो आप लखपति हैं लखपति। और याद रखिए, आपके हर लाख के पीछे 1000 मेरा है, वादा भूलिएगा नहीं। आनंद साहब, अगर मैं लखपति हूं तो आप अपने आप को 1000 पति समझिए। शर्माजी, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? पूछिए। तुम्हें राजा साहब की मौत के बारे में क्या पता है? शर्माजी, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? पूछिए। तुम्हें राजा साहब की मौत के बारे में क्या पता है? घबरा नहीं, तुम इस घर के पुराने मुलाजिम हो और राजा साहब के खैरखा। हुजूर, मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे भी तुम इस घर का खैरखा समझो। इस घर के सब नौकरों को एक ही पर शक है। अस्ताना राइट करता दिले बेकरार का, आईज में कलर भर के तेरे इंतजार का। अफसाना राइट करता चेट करता दिले बेकरार का, आईज में कलर भर के तेरे इंतजार का। अफसाना राइट करता चिक 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 टटारा टम पम बालम बालम। तुम्हारी याद में गाना गाना गा के हम आधा आधा हो गया, मगर तुम्हारे कान पर जू नहीं चलता। कम आउट बालम। मेरी एक बात बताओ। जू नहीं चलता। कम आउट बालम। मेरी एक बात बताओ बालम के बारे में। अरे नहीं, बालम को मारे गोली। हमारा लगा को गोली मारता है। तुम सुमन का बुरा तो नहीं चाहते? ओ दीदी का नो नो, हम उसको बहुत लव करता। अच्छा, तो राजा साहब की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? हमारा हाथ धक धक करता, हम कुछ नहीं जानता। अरे बोल ना, इसमें छुपाने क्या बात? सब नौकर लोग का एक ही आदमी पर शक है। अच्छा, तो राजा साहब की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? हमारा हाथ धक धक करता, हम कुछ नहीं जानता। अरे बोल ना, इसमें छुपाने क्या बात? सब नौकर लोग का एक ही आदमी पर शक है। किस पर? हम नहीं बोल सकता। अरे बोलना, हमारा लाइफ गड़बड़ में हो जाएगा। क्या हुआ, तू बोल तो सही। हमको अंकल डिसमिस कर देगा। किस पर? हम नहीं बोल सकता। अरे बोलना, हमारा लाइफ गड़बड़ में हो जाएगा। क्या हुआ, तू बोल तो सही। हमको अंकल डिसमिस कर देगा। नो नो, आई कांट से। अमृत बाबू, आपने मुझे बुलाया। आइए सरदार जी, तशरीफ रखिए। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बादशाह। सरदार जी, राजा साहब की मौत और चाचा का कोई ताल्लुक है? चाचे का? नो नो लो जी,
असा तो वास्तव में बंदा बना देगी। वो जवारी सारी इजाजत का मालिक बन बैठा है। मैं 12 साल से राजा साहब का ड्राइवर था, उनको मुझसे कुछ और चाचा का कोई ताल्लुक है? चाचे का ना ना लो जी, असा तो वास्तव में बंदा बना देगी। वो जवारी सारी इजाजत का मालिक बन बैठा है। मैं 12 साल से राजा साहब का ड्राइवर था, उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन मुझसे बोला, सरदार जी काम ठीक से करो नहीं तो पंजाब का टिकट कटाओ। सरदार जी घबराइए मत, आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, सत श्री अकाल, कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन मुझसे बोला, सरदार जी काम ठीक से करो नहीं तो पंजाब का टिकट कटाओ। सरदार जी घबराइए मत, आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सुबालम, घर के सब नौकरों को भी यही शक? शक? अब तो ये यकीन हो गया है। यकीन तो हमें है, मगर असली वसीयत नामा ना होने की वजह से सबूत मुकम्मल नहीं। फिर क्या किया? आज रात मैं ये देख रहा हूँ कि कुत्ता अंकल पर क्यों भौंकता है। क्यों भौंकता है? यही तो जासूसी का राज है। ओह, अरे हाँ, वो नंबर क्या कितना, 1, 2, 3, 4 नंबर तक क्या हो गए? आज रात के बाद कल को देख रहा हूँ कि कुत्ता अंकल पर क्यों भौंकता है। क्यों भौंकता है? यही तो जासूसी का राज है। ओह, अरे हाँ, वो नंबर क्या कितना, 1, 2, 3, 4 नंबर तक क्या हो गए? आज रात के बाद कल पुलिस को सब हालात से खबरदार कर दिया जाएगा, समझे? क्या बात है, ये बात हुई ना। जाओ तुम खबरदार करो, हम खबरदार करते हैं। कुत्ते का बच्चा, रात को उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। गजब हो गया, कुत्ते का बच्चा, रात को उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। ठीक उसी तरह तकिए से मेरा दम घुटना चाहा। इसका मतलब है उस रात उसने आपको देखा था? देखा था, लेकिन मैंने जानवर समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़ा वफादार जानवर है जी। पाल साहब, मुझे एक तरकीब सूझी। क्या? बड़ा वफादार जानवर है जी। पाल साहब, मुझे एक तरकीब सूझी। क्या? रात को उस कुत्ते के बच्चे को खाने में जहर दे दीजिए, सुबह उठेगा ही नहीं। Thank you.
तुमने तो कमाल कर दिया। ये रहा असली वसीयतनामा। तुमने इस घर पर एक ऐसा एहसान किया जिसका हम जिंदगी भर बदला नहीं चुका सकते। अच्छा तू जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ये रहा असली वसीयतनामा। तुमने इस घर पर एक ऐसा एहसान किया जिसका हम जिंदगी भर बदला नहीं चुका सकते। अच्छा तू जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब हैं? जी हाँ, अंदर तशरीफ ले जाइए। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए। इंस्पेक्टर साहब हैं? जी हाँ, अंदर तशरीफ ले जाइए। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अमृत है और मैं राजा हरदयाल सिंह के बंगले से आया हूँ। तशरीफ रखिए। थैंक यू। राजा हरदयाल सिंह? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अमृत है और मैं राजा हरदयाल सिंह के बंगले से आया हूँ। तशरीफ रखिए। थैंक यू। राजा हरदयाल सिंह, चंदन हुए जिनकी अचानक मौत हो गई? जी हाँ, और मैं उसी बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। राजा हरदयाल सिंह की इकलौती लड़की सुमन को शक है कि राजा साहब की मौत। चंदन हुए जिनकी अचानक मौत हो गई? जी हाँ, और मैं उसी बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। राजा हरदयाल सिंह की इकलौती लड़की सुमन को शक है कि राजा साहब की मौत के पीछे किसी का हाथ है। और उसका शक किस पे है? रात के सन्नाटे में 3-4 बार बंगले में काला साया घूमते हुए देखा गया है, मौत के पीछे किसी का हाथ है। और उसका शक किस पे है? रात के सन्नाटे में 3-4 बार बंगले में काला साया घूमते हुए देखा गया है, और राजा साहब मरहूम का कुत्ता उस पर भौंकते सुना गया है। वैसे घर में ये कुत्ता सिवाय राजा साहब के भाई जसपाल सिंह के और किसी पे नहीं भौंकता। मैं आपका बयान लिख लेता हूँ। मैं अपना बयान लिख कर लाया हूँ। लीजिए। वेरी गुड। मेरे पास कुछ और कागजात और तस्वीरें भी हैं जो शायद इस मामले में रोशनी डाल सके। अगर आप फरमाएं तो मैं उन्हें लेकर हाजिर हो जाऊँ। आप कागजात और तस्वीरें ले आइए, तब तक मैं इस मामले में अपनी तरफ से पूरी पूरी तहकीकात करता हूँ। बहुत बेहतर, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलूंगा। Thank you.
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अमृत है, आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैं पुलिस में काम करता हूँ और पुलिस वालों की निगाह और यादाश्त धोखा नहीं देती। आप सुबह मरहूम राजा हरदयाल सिंह के बंगले से आए थे ना? यस सर। इंस्पेक्टर साहब, आज जब सुबह मैं पुलिस स्टेशन से निकला तो मेरे साथ एक अजीब खतरनाक वाकया पेश आया। वो क्या? मैं सुबह यहाँ से घर वापस जा रहा था कि अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी और चंद गुंडों ने मुझे उसके अंदर खींच लिया और देखते ही देखते कार हवा से बातें करने लगी। फिर कोई यहाँ से 2 मील दूर जाकर उन लोगों ने मुझे बांध कर बेहोशी की हालत में और चंद गुंडों ने मुझे उसके अंदर खींच लिया और देखते ही देखते कार हवा से बातें करने लगी। फिर कोई यहाँ से 2 मील दूर जाकर उन लोगों ने मुझे बांध कर बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन पर फेंक दिया। माई गॉड, फिर आपको कैसे और किसने बचाया? मेरी खुशकिस्मती थी कि मरहूम राजा साहब के ड्राइवर सिंह ने मुझे देख लिया और जब मुझे होश आया तो सिंह रेलवे लाइन पर फेंक दिया। माई गॉड, फिर आपको कैसे और किसने बचाया? मेरी खुशकिस्मती थी कि मरहूम राजा साहब के ड्राइवर सिंह ने मुझे देख लिया और जब मुझे होश आया तो सिंह मुझे संभाले हुए था और रेल पास से गुजर रही थी। लेकिन आप 11 बजे तो मेरे पास से गए थे। और हुजूर, इतने अरसे में मौत से मुलाकात करके आ रहा हूँ। आप उन्हें पहचानते हैं? अच्छी तरह से। उनके हिसाब से मैं रेल के नीचे आके मर चुका हूँ। और उनका ठिकाना? वो भी जानता हूँ। मेरे ख्याल में वो लोग आपका पीछा कर रहे थे और उन्होंने आपको यहाँ आते हुए देखा होगा। आप बजा फरमा रहे हैं और ऐसा जान पड़ता है कि ये उसी ग्रोह के आदमी हैं जिसका राजा साहब की मौत से ताल्लुक था और जायदाद पर नजर है, वरना मेरी यहाँ क्या होगा। आप बजा फरमा रहे हैं और ऐसा जान पड़ता है कि ये उसी ग्रोह के आदमी हैं जिसका राजा साहब की मौत से ताल्लुक था और जायदाद पर नजर है, वरना मेरी यहाँ किसी से क्या दुश्मनी है। आप घबराइए मत, मैं खुद तमाम मामला की तह तक पहुँचने की कोशिश करूंगा और आपको किसी वक्त भी मेरी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर। ठहरिए, मैं आपके साथ चंद सिपाही पी देता हूँ। खलील खान, किसने दिया था? अंकल, ये हमको हमारा एक बॉयफ्रेंड प्रेजेंट किया है। वो कुत्ते का बच्चा जब देखो हम पे भूखता है। हम उसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऑलराइट। ये स्कार किसने दिया था? अंकल, ये हमको हमारा एक बॉयफ्रेंड प्रेजेंट किया है। अच्छा, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? यस अंकल। कौन है वो? अंकल, वो अपना न्यू कुक है ना, कितना टेस्टी खाना बनाता है, हमारा हेल्थ पहले से कितना अच्छा हो गया अभी। वो तो जाहिर है। थैंक यू अंकल। Thank you.
टॉमी, डिनर डोनर किया कि नहीं किया? दो यार एक ही रह गई है, 50-50 कर देते। दो यार एक ही रह गई है, 50-50 कर देते। बच्चा अभी तक जिंदा है, मरना तो अलग रहा, वो अभी तक सोया भी नहीं। अगर तुम्हारे सारे काम इस तरह हुए तो अपनी खैर नहीं, समझे? तेरा बच्चा अभी तक जिंदा है, मरना तो अलग रहा, वो अभी तक सोया भी नहीं। अगर तुम्हारे सारे काम इस तरह हुए तो अपनी खैर नहीं, समझे? मैं जरा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, यहाँ का ख्याल रखना। ये है मिस्टर जसपाल सिंह जी। हाँ। इनके साथ ये देवी जी कौन है? ये है मिस रूपा। इंस्पेक्टर साहब ये रही वो तस्वीरें। तो ये है मिस्टर जसपाल सिंह जी। हाँ। इनके साथ ये देवी जी कौन है? ये है मिस रूपा, ऐश कॉटेज में रहती है। ये दूसरी तस्वीर में जसपाल सिंह के साथ कौन शख्स है? मरहूम राजा साहब के वकील
मिस्टर आनंद जसपाल सिंह के साथ ही। करते हो, मेरी तो चंद दिनों में शादी होने वाली है। शादी का इंतजाम हम वहीं कर देंगे, आप चलिए। ये बात है तो मैं अपना नया शास्त्री का सूट साथ ले चलता हूँ। सूट बूट सब हम ही देंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए खलील खान इन ले चलो। चलिए आप शादी का इंतजाम हम वहीं कर देंगे, आप चलिए। ये बात है तो मैं अपना नया शास्त्री का सूट साथ ले चलता हूँ। सूट बूट सब हम ही देंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए खलील खान इन ले चलो। चलिए आप भी चलिए प्लीज, चलिए ना। Yes, come in. मिस्टर आनंद जी मेरे पास। Yes, come in. मिस्टर आनंद जी मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए चलिए। बनाने की कोशिश कर रही लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। हेलो हेलो कौन? अमृत? हाँ हाँ अंकल, अभी अभी वो बच्चे इतना मत चुरा के कार में भाग गए। Thank you.
बचाओ 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 बचाओ। मानिए सिर नाथ भगवान के नाम पर मुझे बचाओ बचाओ। मैं गुनाहगार मुझे बचाओ, मैं अपने सब गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। अफसोस की कोई बात नहीं, एक न एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है। अफसोस की कोई बात नहीं, एक न एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है। खबरदार भागने की कोशिश न करना। अदा करना चाहिए कि आपने कानून के इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने में हमारी मदद की। अमृत करना चाहिए कि आपने कानून के इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने में हमारी मदद की। अमृत कुछ भी। शो मी योर हैंड, दूसरा हाथ।
कमर में क्या है? इज्जत तुम्हारा कमर के पीछे क्या है? कुछ नहीं। शो मी योर हैंड। दूसरा हाथ, दोनों हाथ। राम चक्कर व्हाट इज दिस? दिस बॉल। बॉल उठा के बताओ हमको। देखने को मांगता हूँ। देखो देखो, देखो। डॉक्टर मिसेस सुमन चौपन, बी बी बी, अदर साइड, अदर साइड चोपड़ा। आई से दिस साइड, सीधा सीधा मिसेस बर्न। ये दरवाजे पे लगाएंगे हम? नो नो, आई डोंट लाइक योर आइडिया। थ्रू मी आउट साइड। यस ये तुम समझता है क्यों नहीं? ये लड़की लोग अपना मुंह से यस यस नहीं बोलता है। अच्छा बहनो ना बोलता है। आज संडे है, अपनी चर्च पूजा के मैरिज करते हैं। सुन लिया? सुना। चलो चलो।